आपको शुरू में एक बात बोलूंगा, मैं व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा हूँ मैं, आपने इतना जब पढ़नी है ना तो मुझे वहां से कोई एक क्लिप बनाकर जरूर भेजिएगा अपने मोबाइल से, एक मस्जिद का या अपने यारों दोस्तों का या अपना खुद का। कल मैं भी अपने सॉरी लगाऊंगा आप सबकी वीडियो मिक्स करके। तो अभी आपको ईद के मुतालिक बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यार ईद ना मिल रही है पहलो पंजाबी च पैंज गल करना, ईद मुबारक तैनू, ईद मुबारक। अपना पहलो ईद ना मिल रही है परदेसी ते पाकिस्तानी। अच्छा पाकिस्तान में तो अभी जो भी मामला हैं वो सामने आ रखे हैं। सऊदी अरबिया में रहने वाले तमाम मेरे भाइयों को, मेरे यारों दोस्तों को यार एक जफ़ी जफ़ी डालकर ईद मुबारक है आपको। कल ईद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है, यानी कि आज चांद नजर आ चुका है, कल ईद है जुमे वाले दिन की। आप सुबह उठिएगा, फेड़िया शेड़ियाँ खाइएगा, ईद की नमाज पढ़िएगा, उसके बाद भाई इंजॉय कीजिए। अच्छा अच्छा सो मत जाइएगा। होता क्या है, मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, पहले ईद के मुतालिक आपको मैं अपडेट कर दूं, अगर किसी ने वो सुननी हो तो सुन ले, उसकी मेहरबानी है। अच्छा ये उसके बाद जुमे की नमाज के लिए निकलिएगा, फिर घूमिए फिरिएगा, खाइए पिएगा। अभी कंपनीज में रहने वाले भाइयों को भी आपको पता है कि 4-5 छुट्टियां हो जाती हैं, आजाद बंदे तो अक्सर ऐसे मैंने देखे हैं ईद वाले दिन भी काम पर चले जाते हैं, यकीन कीजिए। बहरहाल जी बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन आजाद बंदे भी 3 छुट्टियां तो करते ही हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको क्या बताने वाला था, वो सोने के मुतालिक बताने वाला था। देखे अगर आपने मिसाल के तौर पर अक्सर बंदे ईद की नमाज पढ़ के आए सो गए, कई तो ऐसे जवान ने उठते ही नहीं ईद ईद की नमाज वास्ते भी नहीं उठते। अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है जी, तबूक में थे हम दखल वाखत बल्द के साथ ही, तो वहाँ थे हम, तो मैं ना बड़ी थी, भाई थे कुछ दोस्त अखबार ऐसे रूम में, तो वो सो गए 3 और मैं था 1-4 उनके साथ। मैं ना नीचे उतरा ही हूँ अभी दखल वहाँ, तो वो शहर के अंदर हाइश है, एक सऊदी ने ढक से ब्रेक लगाई, मुझे 3-4 किलो गोश्त का पैकेट पकड़ा दिया। मैंने बोला बिस्मिल्लाह, लेकर ऊपर गया भाइयों को दिया, भाई वो बोलते किधर से ले आया। मैंने बोला भाई तुम सो जाओ, तुमको क्या है। वो उनमें से 2 उठे, मेरे दोस्त अक्सर मेरी वीडियोस में आते भी हैं, तो मेरे साथ नीचे उतरे। यकीन कीजिए हम वहीं पर बाजार में बैठ के कोडर लिल्ली बेली गप्पे लगा ली, इधर सऊदी आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ, को मेरा ख्याल है कि 14-15 किलो गोश्त हो गया हमें 2-3 घंटों के अंदर अंदर, 14-15 किलो गोश्त और बकरे का। तो यकीन कीजिए ऐसा भी होता है, तो सोइएगा मत, ईद को एंजॉय कीजिएगा। अभी पाकिस्तान के मामला जो भी सामने आते हैं वो शायद मैं फिर एक वीडियो लगा दूँ।